हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम स्पैगेटी ओलियो ओग्लियो पास्ता की रेसिपी। सॉस ओलियो ओग्लियो पास्ता कैसे बनाया जाता है रेस्टोरेंट या होटल में, इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल लेंगे ओलिव ऑयल। जैसे यहाँ पर ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है हमारा, तो हम इसमें डाल लेंगे चॉप गार्लिक एंड खूब सारा चॉप गार्लिक डाल लेंगे। इसके बाद डाल लेंगे हम इसमें ऑलिव्स, ब्लैक वाले ऑलिव्स में यहाँ पर डाल रहा हूँ। और यहाँ पे सन ड्राई टमाटो है वो डाल दिया हमने काट के। बेसिल, थोड़ा बेसिल डाल लेंगे रफली क्रश किया हुआ, और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। टॉस करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे चिली फ्लेक। यहाँ पर चिली फ्लेक डाल दिया है, और यहाँ पे डाला है हमने चॉप सेलरी। और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर स्टॉक वाटर। अगर आपके पास स्टॉक वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो बॉईल किए हुए स्पैगेटी रखी थी हमने वो डाल दिया है। और सॉल्ट डालेंगे ऑरेगानो, और इसको अच्छे से टॉस करेंगे। अच्छे से पास्ता को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे हम बटर, बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे डाल लिया हमने पार्मेसन चीज़ खूब सारा। उसको एक टोंग की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जब ओलियो ओग्लियो स्पैगेटी पास्ता रेडी हो चुका है। इसको हम टोंग की सहायता से एक प्लेट में अच्छे से डाल लेंगे। और यहाँ पर हम इसको पार्मेसन चीज़ है जो हमारे पास पार्मेसन चीज़, उससे गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा ऑलिव डाल लेंगे, पार्सली डाल लेंगे,